8 दिन पहले जो है एक वाकया सामने आया था जब तेज तरीन हवाएं हो रही थी, उसी सब के बीच एक जहलम रिवर में जो है एक नाव जो है हाउस बोट जो है जो कि घर एक था वो डूब गया था। मगर उसके बावजूद भी आज तक इंतजामिया जो है इस बात को समझ नहीं रही कि इन्हें घर जरूरत है। इन्हें 2 टेंट ला कर दिए हैं दिखावे के लिए, मगर अभी तक इंतजामिया जो है इन्हें मदद नहीं कर रही। आपको बता दूं कि इनके बच्चे इनकी फैमिली जितनी भी है इन टेंट्स वगैरह में रह रही थी 8 दिन से, मगर अभी तक भी इंतजामिया की जानिब से कोई भी कदम नहीं उठाया गया। हालांकि जो इनकी हाउस बोट थी वो भी अभी ऐसे की वैसी ही है। हमारे साथ मौजूद है इस फैमिली के सरबरा, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये क्या कहते हैं। हजरत, 8 दिन हो गए आपको, हमने कोशिश की कि स्टोरी को फॉलो अप किया जाए, 8 दिन से अभी तक इंतजामिया का कोई बंदा फिर से आपके पास आया नजरोसाज करना? साले खाली सर, जब पहले दिन ये वाका हुआ सर, तो दूसरे दिन यहाँ पे एक नायब तहसीलदार साहब आए और पटवारी साहब आए, उन्होंने रिपोर्ट लिख कर लिया है, नाम पांच में लिख कर लिया है, तो वहाँ पे पता नहीं उसके बाद में। लेकिन फिर अल्लाह का एक नेक बंदा आया, उसने एडिशनल डीसी साहब को फ़ोन किया, डीसी साहब को फ़ोन किया, मेरे को टेंट 2 दिलाए सर, जो मैं टेंटों में अभी रह रहा हूँ अपनी फैमिली के लेके सर। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तब से आज तक मेरे पास कोई नहीं सर आया। मैं उम्मीद होती है इंसान को कि एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प करेगी, सहारा है, एक बैकबोन है, मगर 8 दिन हो गए आप इसी तरीके से हैं यहाँ, इसी तरीके से धक्के खा रहे हैं, बारिशों में भी इन टेंट पे रहे, फिर से फैमिली भी आपके रहे, बच्चे भी आपके रहे, माएँ बहनें भी रही, तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से आप? बहुत कुछ कर रहे थे, बहुत कुछ था, उम्मीद था हमें। जिस दिन ये सोशल मीडिया वाले, बाकी मीडिया वाले, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने बहुत हाइलाइट्स की मेरी फैमिली के बारे में, मेरे घर के बारे में, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई मदद मेरे को नहीं मिला सर। मेरे पास वॉशरूम भी नहीं है सर, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरी माएँ बहनें हैं, बेटियां हैं, वॉशरूम के लिए तड़प रहे हैं सर। वॉशरूम के लिए कहाँ जाएंगे, मुंह धोएंगे, नमाज पढ़नी होती है, हर कोई अल्लाह ताला के सामने झुकता है, हमें भी झुकना चाहिए, लेकिन वज़ू करने के लिए हमारे पास पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है सर, वॉशरूम नहीं है सर। अब हम थ्रू बाई यूर चैनल मैं एक बार फिर गवर्नर साहब से और चीफ सेक्रेटरी साहब से अपील करता हूँ, मेहरबानी करके यहाँ बेघर लोगों की तरफ देख लीजिए, आखिर हम भी यहाँ के रहने वाले हैं सर, जाएंगे तो हम कैसे जाए, या तो अल्लाह का सबसे बड़ा है, उसके बाद में गवर्नमेंट को नज़र रखनी है, क्या मेरे लोगों को मत तकलीफ़ हो जाए, होती है कुछ, क्या मेरे लोग कुछ खा रहे हैं, क्या मेरे लोग कुछ पी रहे हैं, क्या उनके पास शेल्टर है, क्या उनके पास घर है। लेकिन वो सरकार को सोचना चाहिए, सरकार अभी तक मेरे बारे, मेरी फैमिली के, मेरे बच्चों के बारे में कुछ कदम नहीं उठा रही हैं। मैं फिर से अपील करता हूं, आप मेरी तरफ़ नज़रसानी कीजिए, मेरी तरफ़ देख लीजिए। आपको इंतज़ामिया से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, जी जी जी, अभी दिल भर आया है आपका? जो भी लोग यहाँ से चलते हैं, सिविल लोग, सब कहते हैं मुझे, हमें बहुत अफसोस हुआ, हमें स्टिल अफसोस है, आप बेघर हो गए, आपके कपड़े वबड़े कुछ पहनने के लिए नहीं है, आपको पास मुंह धोने के लिए जब वॉशरूम नहीं है, क्या आपके पास कोई एडमिनिस्ट्रेटर का आया? मैंने सर बोला हाँ, एक पटवारी साहब आया और नायब तहसीलदार साहब आया, उसके बाद में कोई रिएक्शन नहीं हुआ, कोई भी मैं हमारे पास देखने के लिए नहीं आया सर। अफसोस की बात होती है, ज़्यादा बातचीत इनसे भी नहीं करेंगे क्योंकि इनका दिल जो है वो इंतजामिया से भर चुका है और इंतजामिया लगातार हाथ पे हाथ धरे बैठे हुई है और एडमिनिस्ट्रेशन जो है जगह जगह पे पोस्टर छपा रही है और बैनर्स लगा रही है। हालांकि एक भरोसा होता है इंसान को और ये सोच होती है कि कहीं ना कहीं अगर हम पे कोई ऐसी बला आ जाए तो उसके बावजूद हमारे पास एक सहारा है, इंतजामिया, सरकार, गवर्नमेंट, LG साहब, हमारे मिनिस्टर, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, मगर अभी भी जो है ये शख्स उम्मीद में बैठे हैं। आपको बता दूं कि इन्होंने पूरा सामान पैक कर लिया है और ये देखिए कि आप 8 दिन से इसमें हमारी माएँ बहनें, सारे बुजुर्ग, जितनी भी इनकी फैमिली 8 दिन से इसी टेंट्स में रह रही है और ये दिन 8 दिन हो गए इनकी फैमिली को बेघर हुए हैं, मगर अभी भी जो है इनकी ओर नजरसाज नहीं किया गया। इस स्टोरी को हमने मजीद फॉलो अप करने की कोशिश की और देखने की कोशिश की कि आखिरकार इनका कोई सबील सोचा है इंतजामिया ने, मगर आपको खुले अल्फाजों में कह दूं और साफ अल्फाजों में समझा दूं कि इंतजामिया टस से मस नहीं हो रही और नहीं सोच रही इनका। मजीद आगे क्या बनता है इस खबर के बाद देखते रहिए द टाइप राइटर जावेद खान के साथ।